ओम शांति। निराकार परमात्मा सोमनाथंकर सोमरस अर्थात ज्ञान अमृत को पान करुथिबा समस्त सत्यनिष्ठ संगमजुगी ब्रह्मावश्य ब्राह्मण मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। कुहा जाए विद्यार्थी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन अटे, कारण विद्यार्थी माने ही संयमी श्रृंखलित हेबा सहित उत्तम चरित्रवान होती। सामाजिक आध्यात्मिक पारिवारिक तथा वृत्तिगत ज्ञानर अधिकारी होती गुरुकुलर अनुशासन आधार रे। विद्यार्थींकर लक्षण मध्य उत्तम रूप रे शास्त्र रे गायन रहिछि कि सेमाने काकस्नान बकध्यान अल्पहारी स्वान निद्रा समानुवर्तित हेथान्ति, अर्थात प्रत्येक कार्य समय अनुसारे अव्यर्थ भावरे करी थांती। विद्यार्थी ही समाजर भविष्यत, सेथिपाई गुरुकुल को मंदिर सहित तुलना करा जाय थाय तथा विद्यार्थी को तपस्वी मानंक सहित तुलना करा जाय थाय। जेऊ विद्यार्थी एही सब नियम बा श्रृंखला को जीवन रे पालन करी थांती सेमाने भविष्यतरे श्रेष्ठ हेबार गौरव लाभ करिथान्ति। विद्यार्थींकर प्रथम एवं श्रेष्ठ कर्तव्य हेउछि गुरु आज्ञाकु पूर्ण रूपरे पालन करिबा। एहार अनेक दृष्टांत शास्त्ररु देखिबाकु मिले बा शुणिबाकु मिले। शिष्य आरुणी हुवन्तु एकलव्य हुंतु बा ध्रुव प्रहलाद हुंतु, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करिथिबा कारणरु ए पर्यंत आमे माने सेमानंकर गाथा को स्मरण करुछु बा सेमानंकर उदाहरण दे सेमानंकर स्मृतिचारण करुछु। एभळी गुरु भक्ति विरल कहिले अत्युक्ति हेब नाही। गुरुकुलरे शिक्षा ग्रहण करुथिबा विद्यार्थी साधारण परिवारर हेथान्तु बा राज परिवारर हेथान्तु, हेले नियम एवं अनुशासन समस्तंक पाई एक समान रहिथिला, जहा सेमानंकु पालन करिबा एक प्रकार बाध्यता थिला। सेथिपाई से समय रे विद्यार्थी माने सर्व गुणरे परिपूर्ण थिले। वर्तमान ना से राम अछंती ना से राज्य अछि, सब केवल बाह्य रूपरे विधि पालन करिबा ही जहा सार होइछि। कर्पूर उड़ी जाइछि कोना जहा पड़िछि, जेउथि पई आजिर सामाजिक विधि व्यवस्था संपूर्ण भुसुड़ी जाइछि। समाजर अवस्था संपूर्ण विपथगामी ध्वंसा विमुखी। गीतार महावाक्य अनुसारे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक यही तमो प्रधान धर्मग्लानिर समय, अर्थात यही पतित अपवित्र पुरुणा कलिजुगी दुनियार समय रे ही स्वयं निराकार परमात्मा पिता आसी कहुछंती कि मधुर संतान गण निजे पवित्र रहिबा सहित एही अपवित्र अतीत भारत को पवित्र करिवार सेवारी रहिबा आवश्यक। सबु विघ्न को दूर करी विघ्न विनाशक हेबाकु हेबो, जेहेतु तुमे माने वर्तमान
सर्वशक्तिवान परमात्मा पितांकर संतान एथिरे केबे मध्ये निराश हेबार आवश्यकता नाही। गृहस्थ व्यवहार रही सर्वदा स्मृति रे एहा ही रहु जे मु ईश्वरीय विद्यार्थी अटे। जेपरी विद्यार्थी मानंकर सर्वदा पाठ पढ़ा एवं शिक्षकंकर स्मृति रही थाए सही बली एही ईश्वरीय पाठ पढ़ा एवं एही पाठ को पढ़ीला वाला स्वयं ईश्वर पिता सत शिक्षकंकु निरंतर मने पकेबाकु एवं व्यर्थरे निजर बहुमूल्य समय को नष्ट करिबा उचित नुहे। कारण तुमे माने वर्तमान मो द्वारा जानिछ कि एही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगर प्रत्येक मुहूर्त अत्यंत मूल्यवान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जेहेतु एही समय रे ही सारा कल्पर श्रेष्ठ भाग्य निर्धारित होइथाए। मो एही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात कली युगर अंत एवं सत्य युगर प्रारंभ एही मध्यवर्ती समय रे आसी तुम मानंकु आत्मिक ज्ञान प्रदान पूर्वक मो द्वारा मोर परिचय दे तुम आत्मा मानंकर स्मृति जाग्रत कराई तुम मानंकु पुनर्बार सही सत्य युगी श्रेष्ठ दुनियार अधिकारी करैबा पई आसुछि। हेले वर्तमान दुनिया रे मनुष्य मानंक भितरे सबुठु बड़ अज्ञानता हेउछि जहांकु पूजा करुछंती तांकु नाम रूपरु अलगा करि देउछंती अर्थात कहउछंती जे भगवान नाम रूपरु अलगा उठंती। जदि भगवान नाम रूपरु अलगा तेबे मंदिर आदि तयारी करी पूजा पाठ करिवार कोन आवश्यकता अछि बा पूजा करुछंती काहेकि भगवानंकु डाकुछंती बाकी परी यहा तो विचार्यर विषय वस्तु। सेथिपाई तुम संतान मानंकु एबे समस्तंकु निराकार परमात्मा शिव पितांकर सत्य परिचय को प्रदान करिबा अत्यंत जरूरी व्यापार अटे। शिव बाबा एवं तांक द्वारा प्राप्त संपत्ति अर्थात सत्य युगी श्रेष्ठ राजत्व को स्मरण करिवार अति सहज पाठ पढ़ा जहाँ वर्तमान मु तुम मानंकु पढ़ाउछि ताहा निजे पढ़ एवं अन्य मानंकु मध्य पढ़ी चल एहा ही श्रेष्ठ सेवा अटे। एही मिछो माया देह एवं देहर दुनिया ठारु बुद्धि जोग को हटेई देबा उचित। एही श्रेष्ठ कार्य रे बाबांकर पूरा पूरा सहयोगी हेबा आवश्यक। शिव बाबा कहउछंती प्रत्येक मुहूर्त को अंतिम मुहूर्त मने करी सदा प्रस्तुत रहुथिबा तीव्र पुरुषार्थी हुओ। कारण किए जाने कहार केउ समयटा ही अंतिम समय हेबो बोली तेणु प्रत्येक मुहूर्त को निजर अंतिम समय मने करी चलिबा दरकार जहाद्वारा अंतमति स्वगति बा अंतिम मति अनुसारे गति प्राप्त जहाँ गायन रहिछि ताहा सहजरे ही जीवो। जदि संकटपूर्ण समय रे सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबाकु चाहुछ तेबे परिस्थिति सहित खाप खुआई चालिवार शक्ति को बढ़ाओ। सबु किछि देखि सबु किछि सुणि निमित्त होई निजर कर्तव्य करि चालो
ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ହେବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ଏଇଠାରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।